फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल एंड वेलकम टू अंबिशियस नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो फिर समझाती हूँ। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर है वो प्रेजेंट होते हैं। दूस प्रोड्यूस एंड कंडक्ट, दूस प्रोड्यूस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ठीक है, जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थ्रू द हार्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि हार्ट के अंदर स्पेसिफिक टाइप के कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। वो मसल फाइबर क्या काम करते हैं, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या काम करेंगी, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, इन ह्यूमन बॉडी द इंपल्सेस प्रोड्यूस बाय इन ह्यूमन बॉडी द इंपल्सेस प्रोड्यूस्ड बाय, किस किस से प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले आएगा हमारा एसए नोड। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंपल्सेस प्रोड्यूस किससे होती हैं, एसए नोड से। ठीक है, एसए नोड से इंपल्सेस प्रोड्यूस होंगी, ट्रांसमिट होके और कार्डियक मसल सिस्टम के अंदर जाएंगी, फिर क्या होगा, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले एसए नोड ने क्या करा, इंपल्सेस को जनरेट करा, फिर कहां पे जाएंगी वो, कार्डियक मसल फाइबर के पास, जिसको हमने क्या बोल दिया है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे ही बताया आपको, मेन डेफिनेशन ये है कि हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप की मसल्स फाइबर होते हैं जो क्या करते हैं, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। गैप जंक्शन क्या काम करते हैं, ठीक है, अलाउ द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द आयरन। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, गैप जंक्शन प्रेजेंट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दैट अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ आयरन, जो क्या करते हैं, आयरन की फ्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वन बाय वन हम क्या डिस्कस करेंगे, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी नोड प्रेजेंट होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ कि कौन कौन सी नोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ये अलग से ही एसए नोड होती है, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकंजी फाइबर, इनके बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एसए नोड के बारे में। एसए नोड, ठीक है, सबसे पहले हम एसए नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल पेसमेकर बोल सकते हैं हार्ट का। ठीक है, नेचुरल पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करने का जो काम होता है वो हमारी एसए नोड करती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल्स है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक स्पेशलाइज्ड ग्रुप
ऑफ कार्डियक मसल सेल्स इन द होल ऑफ, कहाँ पे प्रेजेंट है ये? सही बोला, बिल्कुल इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की वॉल पे ये प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है, एट द एंट्रेंस ऑफ, एट द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना कावा। इसने क्या बोला है, जो ऐसे नोड को हमने नेचुरल पेसमेकर बोला है हार्ट का, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? राइट एट्रियम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, राइट एट्रियम में भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहां से सुपीरियर वेना कावा एंटर करती है वहां पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कितनी हार्ट बीट को जनरेट करने का काम करती है ये 6200 बीट पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में 60 से 100 इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को प्रोड्यूस करने का काम करती है, इसीलिए हमने इसको नेचुरल पेसमेकर हार्ट बोला है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट मेंटेन बाय द एसए नोड, जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो भी ऐसे नोड क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। जब भी हम रेस्ट करते हैं तो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है वो हमारा एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग रेस्ट। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट है वो एक्टिवेट होगा। पहले पैरासिंपैथेटिक, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलीन को रिलीज करेगा। रिलीज, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, रिलीज एसिटाइलकोलीन स्लो हार्ट रेट, समझ आ गया ये? इसने क्या बोला है, जब भी हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है ना, हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाती है। क्यों हार्ट रेट स्लो हो जाती है, क्योंकि जब भी हम रेस्ट करते हैं, रेस्ट के टाइम पे हमारी बॉडी से पीएनएस है वो एएनएस को मैसेज देता है कि तू एसिटाइलकोलीन को रिलीज कर। एसिटाइलकोलीन जब रिलीज होगा बॉडी से तो क्या होगा, हार्ट रेट है वो स्लो होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है एसए नोड के बारे में, देन हम सेकंड डिस्कस करेंगे एवी नोड, ठीक है। याद रखना ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहीं ये सोचो ऐसे नोड तो आया ही नहीं। सेकंड जो है हमारा वो है हमारा एवी नोड, एवी नोड के बारे में डिस्कस करेंगे। एवी नोड को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, इसको हम एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कितने प्रोड्यूस करते हैं, 40 to 60 बीट पर मिनट। अब आप ही देख सकते हो ऐसे नोड तो 60 to 100 कर रही है, ये कर रही है 40 to 60, मतलब उससे कम कर रही है। सिचुएटेड कहाँ पे होती है, लोअर इंटर आर्टेरियल सेक्टम के पास, लोअर इंटर आर्टेरियल सेक्टम के पास। देखो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे की साइड लोअर साइड में एट्रियम के सेक्टम के पास में ये प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या बोला है, लोअर इंटर आर्टेरियल सेक्टम के पास प्रेजेंट है। एवी नोड स्टिमुलेटेड, एवी नोड कब स्टिमुलेटेड होती है, जब क्या करती है, ऐसे नोड क्या करती है, उसको मैसेज ट्रांसमिट करती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एवी नोड स्टिमुलेटेड बाय, एवी नोड स्टिमुलेटेड बाय, जो एवी नोड है वो किससे स्टिमुलेटेड होती है, इंपल्सिस टू एसए नोड, इंपल्सिस टू एसए नोड, ठीक है। इंपल्सिस होती है एसए नोड की उनके द्वारा, या इंटर नोडल फाइबर के द्वारा, इंटर नोडल फाइबर, ठीक
है, जो इंटरनोडल फाइबर होते हैं ऐसे नोड होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती है। अगर मान लो किसी कंडीशन में ऐसे नोड है वो डैमेज हो जाए, अगर ऐसे नोड डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एवी नोड है उसका भी जो कंडक्शन रेट है वो स्लो हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ एनी केस ऐसे नोड is damaged, then AV node conduction rate is slow। ठीक है, तो उसकी वजह से जो AV node का conduction rate है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे नोड को डिस्कस कर लिया, एवी नोड को डिस्कस कर लिया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, देन हम डिस्कस करेंगे एवी बंडल। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, हम एवी बंडल डिस्कस करेंगे। ये सोच रहे हो कि डायग्राम में तो एवी बंडल नहीं है, एवी बंडल को हम क्या बोल सकते हैं, बंडल ऑफ फिश। ठीक है, बंडल ऑफ फिश। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम क्या डिस्कस करेंगे, बंडल ऑफ फिश के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बंडल ऑफ फिश है, ठीक है, बंडल ऑफ फिश को हम क्या बोल सकते हैं, एवी बंडल। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एवी बंडल बोल सकते हैं। कहां से स्टार्ट होता है, बिगिंस फ्रॉम द एवी नोड, बिगिंस फ्रॉम एवी नोड से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है, एवी नोड से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, उसके बाद क्या होगा, ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगा, एक तो होगा राइट वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर और एक होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर, डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकुलर वॉल, और दूसरा किस पे होगा हमारा, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल। देखो बताती हूँ मैं आपको, एवी नोड से स्टार्ट हुआ क्या, बंडल ऑफ फिश, जाके दो के अंदर डिवाइड हो गया, राइट बंडल ऑफ ब्रांच एंड देन द लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच। तो यही मैंने बताया कि बंडल ऑफ फिश है वो एवी नोड से स्टार्ट होता है, दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रांच एंड देन द लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो फाइनल आता है, लास्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रकंजी फाइबर। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्रकंजी फाइबर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे प्रकंजी फाइबर के बारे में। प्रकंजी फाइबर क्या करते हैं, कंडक्ट फ्रॉम द एवी बंडल टू द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, कंडक्ट फ्रॉम एवी बंडल टू द मायोकार्डियम। ठीक है, एवी बंडल से लेके मायोकार्डियम तक क्या करते हैं, ये एवी बंडल से स्टार्ट होंगे मायोकार्डियम से लेके, और ये क्या होता है, मायोकार्डियम तक क्या होते हैं, एंडिंग होता है इनका। उसके बाद क्या करेंगे हम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसका लास्ट पार्ट हमारा क्या होता है, प्रकंजी फाइबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है, सबसे पहले एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश, देन प्रकंजी फाइबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।